देखिए, जो आपका प्रश्न है उसका एक बड़ा सीधा और सटीक उत्तर ये है कि आप हमारे सबसे पहले परिणाम देखिए, कितने IITians कल्पवृक्ष द्वारा बने हैं, क्या पॉसिबिलिटी है कि मेरा बच्चा कल्पवृक्ष से IIT जा पाएगा एज़ कम्पेयर टू किसी और संस्था से, तो आपको आपकी जो फीस है वहीं जस्टिफाइड होते हुए दिखेगी। अपार्ट फ्रॉम इट, हम जब बच्चों को 2 साल यहाँ रखते हैं तो उनको हम किसी प्रकार की व्यर्थ की छुट्टी नहीं देते हैं। आप देखेंगे कि जैसे कई बच्चे होते हैं जो 11th में होते हैं, उन्होंने 11th पढ़ा, उनको 2 महीने की छुट्टियाँ मिलती है, 1 महीने की छुट्टी मिलती है, फिर उनका 12th का सेशन शुरू होता है, तो वो 1 महीना तो बच्चे का पूरी तरीके से वेस्ट है। आप खुद इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, ये JEE या नीट की प्रिपरेशन आपके 20 महीने मांगती है, 20 मंथ की प्रिपरेशन है, और उसमें आपने 1 मंथ, वो भी क्रूशल मंथ, जब तक बच्चा मैच्योर हो चुका है, 11th पढ़ चुका है, आपने पूरे उसे छुट्टी दे दी। इसलिए छुट्टी दे दी कि वो 11th की पढ़ाई करेगा। द अनफॉर्चुनेट पार्ट कि वो इतनी पढ़ने की आवश्यकता होती नहीं है, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर उसकी 11th की प्रिपरेशन कोचिंग में कराई जाती है। अपार्ट फ्रॉम इट, हम हर संडे बच्चों को बुलाते हैं, हर संडे को हाफ डे बच्चे का शेड्यूल होता है, कंप्लीट डे नहीं होता है, जिससे कि आधा दिन वो अपने आप को रेस्ट भी दे सके, उसकी हॉबीज़ है उसको भी फुलफ़िल कर सके, और जो उसके घर के काम हैं बाकी सब चीज़ें हैं वो भी कर सके, बट हाफ डे हम संडे को बुलाते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, दिवाली के समय 6 दिन की ज़रूर हम 4 से 6 दिन की छुट्टी देते हैं, डिपेंड करता है कि बच्चा कौन सी बैच में है, 11th में है, 12th में है, ड्रॉपर में है, बट बाकी छुट्टियां जो होती है वो सिस्टम के द्वारा नहीं दी जाती, जिससे कि बच्चों को फोकस तैयारी कराई जाए, क्योंकि ये जो समय है बच्चे का जीवन में फिर नहीं आएगा। छुट्टियां, दिवाली, राखी, होली, दशहरा, नवमी और किसी त्यौहार की बात करें, अलग अलग अपन अलग अलग रिलीजन की बात करें, अलग अलग रिलीजन में अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं, उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है, वो बच्चा हर साल उसको सेलिब्रेट कर सकता है, बट एक बार बच्चा डॉक्टर या एक बार IITian बन जाए उसके बाद उसको सेलिब्रेट करने का आनंद अलग होगा। तो ये 20 महीने हम चाहते हैं कि बच्चा हमें दे और फिर वो देखे कि उसका रिजल्ट क्या आएगा। इस तरीके से हम बच्चों के ऊपर जब पूरा काम करते हैं तो हमें सिस्टम को 2 साल तक 365 दिन डेली चलाना पड़ता है, तो उस कॉस्ट इफेक्टिवनेस के चक्कर में शायद ऐसा हो सकता है कि आपको ये रिलेटिवली थोड़ी ज़्यादा लगे, बट सर ये समझिए, ये आप एक्सपेंसेस नहीं है, आप बच्चे को आईफोन या कोई ऐसी चीज़ नहीं दिला रहे हैं जो कि उसके लिए लग्जरी है, ये उसके लिए एसेंशियल है। आज अपना बच्चा कभी थोड़ी ज़्यादा फीस देकर 5% या 10% भी स्कोर लेके आता है तो वो NIT वाला बच्चा IIT तक पहुंच सकता है, वो GS/ITS वाला बच्चा NIT तक पहुंच सकता है, वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हेवी हेफ्टी फीस देने के बजाय वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंच सकता है। तो आज ज़रूर हमको थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लग रहा है, बट हमारी पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग इन बेटर कॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और ये हमारा प्रीवियस रिजल्ट जैसा कि मैंने आपसे कहा है बता।